कि बहुत जल्दी ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में होने वाले हैं। थोड़ा इंतजार की बात है बस। अब मुझे लगता है कि हो सकता है अगले सेशन से वो सारी घोषणाएं आप तक आ जाएंगी, प्रदेश की जनता तक आ जाएंगी, क्योंकि हमारे यहां एक बड़ी परेशानी है हमारे देश में। जब देखिए चुनाव, आप खुद सोचिए, हम कोई भी चीज तैयार करते हैं उसमें रोड़ा बन जाते हैं चुनाव। तो इसलिए एक देश और एक चुनाव के लिए भी आप सबको हमको तैयार रहना चाहिए। कभी ऐसा अवसर अगर आए तो हम सबको एक रहना चाहिए, क्योंकि जब एक देश एक चुनाव होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस अगर खर्चा होता है तो हमारे देश में चुनाव पर। अभी आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, जैसे ही वो खत्म होंगे लोकसभा का चुनाव। हालांकि मैं ये चुनाव जो लोकसभा का है, अब चूंकि 5 वर्षों में हमारे यहाँ चुनाव होता है, हम इसलिए जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में आपको बता दूं मैं अपने खुले मन से कि 2019 में चुनाव नहीं होना है, सिर्फ सिलेक्शन होना है, और जो जनता कर चुकी है। क्योंकि चुनाव जब होता है जब सामने कोई आदमी आपसे लड़ने खड़ा हो, मैदान में जब 2 टीमें होती हैं तब आप हार और जीत की फैसले की बात करते हैं। यहां आपके पास दूसरी टीम ही नहीं है मैदान में, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं किया उन्होंने, ना अपनी टीम तैयार कर पाए और ना ही वो खुद खेल पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए हमारी अमेठी का हाल देख के मुझे लगता है कि ये इसी वजह से ऐसा हो गया। अब यहां से भी जो है मुझे लगता है थोड़ा उनको रेस्ट देना चाहिए हम सबको, कि अगर यहां पर भी बदलाव करें। क्योंकि खेल में हम लोग क्या करते थे कि जब खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है ना तो उसको बैठा दिया जाता है बाहर। तो अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि कोई दूसरा खिलाड़ी मैदान में लाया जाए, जिससे कि अमेठी भी निखर कर ऊपर आए।